नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्टियाप्पा फैक्ट्स में। और आज हम लेकर आ गए हैं फैक्टियाप्पा एक्सप्रेस का एक और मज़ेदार वीडियो, जिसमें आप जानेंगे कि ताश के पत्तों में एक ऐसा राजा भी होता है जिसकी मूंछें नहीं होती, और हीरो की बारिश आखिर होती कहाँ है, और एक ऐसा बच्चा जो रोज़ 90 किलो बढ़ जाता है। ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर वन, ये तो सभी जानते हैं कि ताश के पत्तों में चार राजा होते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इनमें से तीन राजाओं की तो मूंछें होती है पर एक राजा की नहीं, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूंछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था तब डिज़ाइनर उसकी मूंछें बनाना भूल गया, और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूंछों वाला राजा हो गया। शायद आपने भी कभी ध्यान न दिया हो, उनमें से तीन राजाओं की मूंछें होती है और किंग ऑफ हार्ट्स की नहीं। फैक्ट नंबर टू, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा में बातें करने वाला एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था पर अगले ही पल उसे ज़मीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्होंने जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफ़ी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। फैक्ट नंबर थ्री, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन का नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका नाम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियाँ इस नाम को यूज़ करने के लिए राज़ी हो गई। फैक्ट नंबर फोर, 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे, तभी 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो कि अब तक की किसी भी कार एक्सीडेंट से सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन एक साल के बाद वे पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट पाए। फैक्ट नंबर फाइव, जहां 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, वहीं अमेरिका की चाऊ स्मिथ नाम की एक ऐसी महिला भी है जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और लगातार 7 दिनों में। और तो उन्हें इन कॉन्टिनेंट्स में अंटार्कटिका जैसा टफ वेदर कंडीशन वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल था। ये महान उपलब्धि चाऊ स्मिथ ने 2017 में हासिल की। एक बार तो वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची, पर फिर भी उन्होंने रेस दौड़ी और पूरी भी की। फैक्ट नंबर सिक्स, आज हर कोई फोन उठाकर हेलो बोलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1876 में जब फोन इन्वेंट हुआ था तब लोग फोन उठाकर हेलो नहीं बल्कि अहोय बोलते थे। दरअसल फोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मानना था कि फोन उठाकर एहोय बोला जाए, लेकिन बेल के प्रतिद्वंदी महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन चाहते थे कि लोग फोन उठाकर हेलो बोलें, और 1880 आते आते हेलो को एहोय के मुकाबले कहीं ज्यादा पसंद किया जाने लगा और इवेंचुअली सभी लोग फोन पर हेलो बोलने लगे। फैक्ट नंबर सेवन, यूं तो अल्फ़ाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फ़ाबेट है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हम जब नंबर्स को लिखना इंग्लिश में शुरू करते हैं जैसे 1, 2, 3, तो किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फ़ाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? तो वह नंबर है 1000। जी हाँ, 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को लिखने में ए की ज़रूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर एट, कुत्तों का ख्याल आते ही उनके ज़ोर ज़ोर से भौंकने की बात भी जहन में आ जाती है, लेकिन क्या कोई ऐसा कुत्ता भी हो सकता है जो भौंकता ही नहीं? जी हाँ, बैसेंजी कुत्तों की एक ऐसी ब्रीड है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई आवाज़ नहीं निकालते। निकालते हैं, लेकिन वो आवाज़ एक सुरीले गाने की तरह होती है।
फैक्ट नंबर 9, कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो तक भारी होता जाता है। और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख किलो तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 10, हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसी जगहें हैं जहां डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो ग्रह हैं जहां के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड खोकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ऐसी ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।